हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग फ्री कोर्स के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये ऑप्शन ट्रेडिंग फ्री कोर्स का पार्ट 8वां वीडियो है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 7 वीडियो तक नहीं देखा है तो दोस्तों चैनल के प्लेलिस्ट में सभी पार्ट वाइज पार्ट वीडियो करके मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, तो आप उन सभी पार्ट को जरूर देखना। और दोस्तों, मैंने एक प्लेलिस्ट पहले से ही बनाया हुआ है जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाया हुआ है, तो पार्ट 53 वीडियो उस प्लेलिस्ट में भी है, तो आप उन सभी वीडियो को भी जरूर देख लेना। इससे दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ट्रेडिंग के मामले में, ठीक है। तो अब मैं जो आपको सिखा रहा हूँ तो इसको भी आप लोग पार्ट वाइज पार्ट करके वीडियो को देखा करो। डेली मेरा मॉर्निंग में एक पार्ट वाइज पार्ट करके वीडियो आएगा, तो आप उन सभी पार्ट को जरूर देखना भाई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारे बिगिनर भाई लोग कमेंट कर रहे हैं कि पंकज भाई आप डेली चार्ट एनालिसिस का वीडियो डाला करो। तो वही कुछ बिगिनर भाई लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि पंकज भाई आप डेली प्रॉफिट और लॉस वाली वीडियो डाला करो। और कुछ भाई लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि पंकज भाई डेली आप पार्ट वाइज पार्ट वीडियो को डाला करो। तो देखो भाई, एक चैनल के ऊपर 3 वीडियो दिन भर में लाना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाई मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, मुझे भी ट्रेडिंग करके पैसे कमाने रहते हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक चैनल के ऊपर 2 वीडियोस ला सकता हूँ। यानी कि एक तो मैं आप लोगों को सिखाने के लिए बिल्कुल फ्री में जो ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, तो मॉर्निंग में पार्ट वाइज पार्ट करके मेरा डेली वीडियो आएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि पंकज भाई शाम को ना आप चार्ट एनालिसिस कर दिया करो, क्योंकि भाई जो मैं एनालिसिस करता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा सही रहता है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि पंकज भाई आपका जो एनालिसिस है वो एकदम राइट रहता है, तो आप डेली एनालिसिस किया करो, ठीक है। और कुछ लोग जो कहते हैं कि भाई प्रॉफिट लॉस वाली वीडियो डाला करो ना, तो देखो मैं अगर प्रॉफिट लॉस वाली वीडियो ज़्यादा डालूंगा तो आप उससे कुछ सीखोगे नहीं, क्योंकि अभी आप ट्रेडिंग में बिगिनर हो। मैं मान लो 30,000 रुपये का प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, ऐसे तो मैं 30,000-35,000 ऐसे करते रहता हूँ। तो 30,000 का मान लीजिए मैंने प्रॉफिट कर लिया और मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, तो आप लोग ना उसको एकदम शौक से देखते हो, यार पंकज भाई ने 30,000 रुपये का प्रॉफिट कर दिया एक ही दिन में, ठीक है। तो आप में से अभी कुछ लोग जो ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ट्रेडिंग सीखे नहीं है, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो वो लोग भी बिना कुछ सीखे समझे ट्रेड करने लग जाएंगे और उनका लॉस हो जाता है। और बाद में वो लोग कमेंट करते हैं कि यार पंकज भाई मेरा ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा पैसे लॉस हो रहा है। तो भाई कैसे नहीं होगा यार, आप लोग को अभी कुछ मालूम नहीं है ट्रेडिंग के बारे में, बस आपको ये मालूम हो गया कि मार्केट ऊपर जा रहा है ले लो, कॉल ले लो, नीचे आ रहा है पुट ले लो, तो ऐसे नहीं होता है भाई, ठीक है, ऐसे नहीं होता। ट्रेडिंग के बारे में A to Z जानना होता है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाकर ट्रेड किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग डेली पार्ट वाइज पार्ट को वीडियो को देखा करो, आपको भाई सब कुछ अच्छे से आ जाएगा। और जब आप लोग ट्रेडिंग के बारे में A to Z जान जाएंगे ना, तब आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आपको कुछ ट्रेडिंग के बारे में पता नहीं है, आप ट्रेडिंग सीखे नहीं हो, तो यार ट्रेड मत करो, नहीं तो भाई आपका बहुत बड़ा यहाँ पर लॉस हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एज अ बिगिनर, आप अगर बिगिनर हैं तो आपको क्या करना चाहिए, निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए या फिर फिन निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए। तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा कि किसमें बिगिनर लोग को ट्रेडिंग करना चाहिए। देखो, सबसे पहले निफ्टी जो होता है, अगर आप निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं ना, तो निफ्टी का जो एक लॉट होता है उसमें 50 क्वांटिटी होती है, ठीक है। पहले क्वांटिटी सुन लीजिए, इसके बाद आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो निफ्टी के एक लॉट में 50 क्वांटिटी होती है, यानी कि निफ्टी एक पॉइंट बढ़ेगा, एक क्वांटिटी के पीछे आपका एक रुपया बढ़ेगा, तो निफ्टी में 50 क्वांटिटी है तो समझ लीजिए कि आपका 50 रुपया बढ़ जाएगा। यानी कि निफ्टी एक पॉइंट ऊपर गया, अगर आप कॉल ऑप्शन लिए हो, ठीक है, तो आपका सीधे सीधे 50 रुपया बढ़ जाता है। और यदि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी के एक लोट में 15 क्वांटिटी होती है, तो बैंक निफ्टी एक पॉइंट मूव करेगा तो आपका केवल 15 रुपया बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेट करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर 4 पॉइंट बढ़ेगा तब जाकर आपका 60 रुपया बढ़ेगा, और निफ्टी में केवल एक पॉइंट बढ़ रहा है, आपका 50 रुपया बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि लोगों को निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड करना चाहिए एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, ठीक है। अब दोस्तों फिन निफ्टी भी होता है,
बहुत सारे बिगिनर भाई लोग हैं जो अभी फिन निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं। बाकी मैं फिन निफ्टी में बहुत कम बार ट्रेड करता हूं, ठीक है, ज्यादा मैं तो निफ्टी में ही करता हूं। देखो फिन निफ्टी में क्या होता है, फिन निफ्टी के एक लोट में ना 40 क्वांटिटी होती है, ठीक है, 40 क्वांटिटी, यानी कि फिन निफ्टी एक पॉइंट ऊपर जाएगा तो वहां पर 40 रुपया सीधा सीधा बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए कि आपने डिसाइड कर लिया कि मैं निफ्टी में ट्रेड करूंगा या फिर बैंक निफ्टी में या फिर फिन निफ्टी में, तो वहां पर स्टॉप लॉस लगाना थोड़ा आप लोग के लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करोगे, निफ्टी में आपको लग रहा है कि निफ्टी 10 पॉइंट ऊपर जाएगा तो मेरा 500 रुपया सीधा सीधा बढ़ जा रहा है, ठीक है, 10 पॉइंट का 50 दाम में 500 रुपया बढ़ जा रहा है। और वहां पर आपको आपका जो टारगेट है, आपको 1000 रुपया का टारगेट रखना है। अगर आप मान कर चल रहे हो कि मेरा 1000 रुपया हो जाएगा तो मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा, और आप स्टॉप लॉस को भी तो लगाओगे और आप स्टॉप लॉस को 500 रुपया तक रखोगे, तो आपको तो पहले से पता है कि अगर यहां से मार्केट 10 पॉइंट नीचे आएगा तो मेरा 500 रुपया घट जाएगा, 500 का लॉस हो जाएगा। तो वहां पर आप स्टॉप लॉस अच्छे से लगा सकते हो, ठीक है। और आपको पता है कि 20 पॉइंट ऊपर जाएगा यानी कि 20 रुपया मेरा बढ़ जाएगा, तो मेरा समझ लीजिए कि पर क्वांटिटी के पीछे 20 रुपया बढ़ रहा है, तो 50 यहां पर क्वांटिटी है, 50 गुणे 20 कर दोगे, आपका सीधा सीधा 1000 रुपया बढ़ जा रहा है यहां पर, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करोगे ना, तो वहां पर कंपेयर कैसे करोगे, वहां पर तीन मान लो एक क्वांटिटी के पीछे आपका 3 रुपया बढ़ रहा है तो आपका टोटल कितना क्वांटिटी है इसमें होता है बैंक निफ्टी में 15 क्वांटिटी, ठीक है, तो आपका 45 रुपया बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोग स्टॉप लॉस को सही से डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मैं कितना स्टॉप लॉस रखूं, कितना टारगेट रखूं, तो ये आप मतलब कंफ्यूज हो जाओगे वहां पर, अगर आप बिगनर हो तो, ठीक है। तो बिगनर लोग को बैंक निफ्टी में कतई ट्रेड नहीं करना चाहिए, सबसे अच्छा जो होता है वो निफ्टी होता है, और इसके मुकाबले थोड़ा सा बैंक निफ्टी के मुकाबले फिन निफ्टी थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि वहां पर आपका 10 पॉइंट बढ़ रहा है तो आपका 400 रुपया बढ़ जा रहा है, 20 पॉइंट बढ़ेगा तो आपका 800 रुपया बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन निफ्टी में अगर 20 पॉइंट बढ़ रहा है सीधा सीधा 1000 रुपया, तो निफ्टी में ट्रेड करना थोड़ा सही है, इसके बाद में फिन निफ्टी में थोड़ा सही है, लेकिन बैंक निफ्टी में भाई आप लोग अगर बिगिनर है तो कतई सही नहीं है। सबसे अच्छा मेरे हिसाब से निफ्टी है, और मैं खुद निफ्टी में ही ज्यादातर ट्रेड करता हूं। अगर मेरा आप प्रॉफिट और लॉस वाली वीडियो देखोगे, मैं अगर 20 बार ट्रेड किया रहूंगा ना, तो उसमें से 18 बार मेरा निफ्टी में ट्रेड रहता है, और मैं निफ्टी में ही ट्रेड करता हूं ज्यादातर। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप लोग भी निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी भाई मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, रिकमेंड नहीं कर रहा हूं आपको कि आप निफ्टी में ही ट्रेड करो, भाई आपका मन, आप जिसमें ट्रेड करना चाहते हो उसमें कर सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करो। अगर ऐसे ही आप इम्पोर्टेंट नॉलेज चाहते हो, जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बिल्कुल फ्री में अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, पार्ट वाइज पार्ट करके वीडियो आ रहा है। तो आपको सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।